चलिए बनाते हैं हाई प्रोटीन लो कैलोरी ग्लूटेन फ्री हेल्दी रेसिपी। तो ये बेसिकली हाई प्रोटीन वेफल्स है फ्रेंड्स। आप इसे चाहे तो ब्रेकफास्ट में या फिर डिनर में कभी भी अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। सिंगल वेफल्स में हमें 77 कैलोरीज मिलती हैं और प्रोटीन 4.6 ग्राम के आसपास मिल रहा है। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि इन हाई प्रोटीन सेवरी वेफल्स को किस तरीके से बनाना है। इसे बनाने के लिए बाउल में मैंने ग्रेट किया हुआ कैरेट ऐड किया है, साथ में फाइनली चॉप किया हुआ मैं इसमें शिमला मिर्च ऐड कर रही हूँ, एक मैंने मीडियम साइज़ का प्याज लिया था इसे भी फाइनली चॉप करके इसमें ऐड करना है, 50 ग्राम्स का ब्रोकोली लिया था उसे फाइनली चॉप करके ऐड किया है मैंने, एक बड़ा चम्मच फाइनली चॉप किया हुआ हमें इसमें लहसुन ऐड करना है, मिर्ची आप अपने स्वाद के अनुसार ऐड कर लीजिएगा। प्रोटीन्स के लिए मैं इसमें ग्रेट किया हुआ पनीर ऐड कर रही हूँ करीब 50 ग्राम के आसपास, साथ में इसमें फाइनली चॉप किया हुआ धनिया पत्ती ऐड करना है, बेसन मैंने 40 ग्राम्स के करीब ऐड किया है। अब हम इसमें एक ऐसा इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे जो कि इस रेसिपी का प्रोटीन और फाइबर बढ़ा देता है। सो फ्रेंड्स, मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ फेन्यू फ्लेक्स। फेन्यू फ्लेक्स ये बेसिकली मेथी दाने का पोहा होता है, ये कुछ इस प्रकार से दिखता है। इसमें प्रोटीन और फाइबर बहुत अच्छी मात्रा में है और कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स ऑलमोस्ट ज़ीरो है। किसी भी रेसिपी में ऐड करके डेली अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। ये उस रेसिपी का प्रोटीन और फाइबर काफ़ी बढ़ा देता है। फेन्यू फ्लेक्स को बनाने के लिए जो मेन इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल किया गया है ये है मेथी का दाना फ्रेंड्स, और इसमें इसके सिवाय कोई भी दूसरा इंग्रेडिएंट ऐड नहीं किया गया है। इसे चाहे तो डोसा में, रोटी में या फिर इडली में या किसी भी रेसिपी में ऐड करके ले सकते हैं। जैसे मैंने रागी डोसा बनाया था तो रागी डोसा के बैटर में मैंने फेन्यू फ्लेक्स ऐड किया, पानी ऐड करके नॉर्मल डोसा की तरह बनाया है। साथ में मैंने अभी जैसे कि रोटी बनाया था तो रोटी में भी रोटी के आटे को गूंथते वक्त उसमें फेन्यू फ्लेक्स ऐड करके जैसे नॉर्मल रोटी की तरह हम बनाते ठीक इसी प्रकार से बनाकर हम रोटी ले सकते हैं। मैंने इडली का जो बैटर होता है उसमें भी फेन्यू फ्लेक्स ऐड किया था, और जैसे नॉर्मल इडली को स्टीम करते हैं उसी प्रकार से मैंने इडली को भी स्टीम किया है। तो आप इसे किसी भी रेसिपी में ऐड करके डेली अपनी डाइट में इजीली ऐड कर सकते हैं। मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी फेन्यू फ्लेक्स की कि इसका कोई आफ्टर टेस्ट नहीं है। बेसिकली जब हम मेथी के दाने को लेते हैं तो वो कड़वा रहता है, लेकिन इसे आप जब किसी भी रेसिपी में ऐड करेंगे तो उससे रेसिपी बिल्कुल कड़वी नहीं रहती है, कोई इसका आफ्टर टेस्ट नहीं है फ्रेंड्स। वेट लॉस के लिए, डायबिटीज़ के लिए, जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है उनके लिए ये बहुत बढ़िया है। डेफिनेटली मैं आप इसको ट्राई करके देखिएगा। आपको सारे लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, प्लीज़ टू चेक आउट। सो मैंने यहाँ पर एक चम्मच भरकर फेन्यू फ्लेक्स ऐड किया है, ऊपर से स्पाइसेस जैसे कि थोड़ा सा हल्दी ऐड करना है, थोड़ा सा रेड चिली का पाउडर ऐड कर सकते हैं, आप इसमें थोड़ा कोरिएंडर पाउडर ऐड कर सकते हैं, नमक ऐड करना है और इसे मिक्स कर लेना है, अच्छे से मिक्स करना है, पानी ऐड करना है। जब भी फेन्यू फ्लेक्स को अपनी डाइट में ऐड करें तो ध्यान रखिएगा पानी ज़्यादा लेना है क्योंकि इसमें फाइबर ज़्यादा होता है, तो पानी लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। और अच्छे से इसका मिक्सचर कुछ इस प्रकार से रेडी करना है। वेफल मेकर को मैंने ग्रीस कर लिया था, थोड़ा बैटर हमें वेफल मेकर में रखकर इसको अच्छे से कुक कर लेना है। अगर आपके पास वेफल मेकर नहीं है तो डोसा के पैन में भी आप इसको छोटे छोटे पैनकेक्स की तरह बनाकर आप ले सकते हैं। यहाँ देखेंगे तो हमारा लो कैलोरी ग्लूटेन फ्री हाई प्रोटीन सेवरी वेफल्स जो है ये बनकर रेडी है। सिंगल वेफल में हमें 77 कैलोरीज मिलती हैं, प्रोटीन 4.6 ग्राम है, कार्बोहाइड्रेट 6.8 ग्राम है, फैट 3 ग्राम्स है और फाइबर 2.88 ग्राम्स मिल रहा है। बहुत ही हेल्दी और इजी टू प्रिपेयर रेसिपी है फ्रेंड्स। आप सब इसको ज़रूर ट्राई करके देखिएगा और अपनी फीडबैक्स मेरे साथ नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच। फिर से मैं मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन, बाय।